हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में पांच सबसे बढ़िया मैक्सी स्कूटर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, और इंडिया मार्केट में यही पांच आपको मैक्सी सेगमेंट में स्कूटर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी मैक्सी सेगमेंट में कोई स्कूटर नहीं बेचती है। तो ये पांच स्कूटर्स इंडिया मार्केट में मौजूद है, तो आप बेस्ट भी कर सकते हैं और आपको यही मिलेगा भी। तो कौन कौन से वो मॉडल्स है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे कि अगर आप भी एक मैक्सी सेगमेंट में स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी, किसमें क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कौन से किस मामले में बेहतर है, ये जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आती है वो BMW की तरफ से आती है। ये सबसे बाद में लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, जो कि BMW 400 GT है। ये मैक्सी स्कूटर के साथ साथ एक क्रूजर सेगमेंट की मैक्सी स्कूटर है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट आपको मिल जाती है वो क्रूजर जो बाइक्स में आपको देखने को मिल जाती है वैसे काफी कंफर्टेबल और बड़ी आपको सीट देखने को मिल जाती है, जो कि दो लेवल की भी दी गई है। इसके अलावा काफी लंबी और चौड़ी आपको ये मैक्सी सेगमेंट में स्कूटर मिल जाती है, जहाँ पे फ्रंट में विंड स्क्रीन लगी हुई है। तो इसमें कंपनी दो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट देती है। इंजन की बात करें तो काफी बड़े सीसी इंजन के साथ मिल जाती है। 350 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जो कि 34 PS का पावर और 35 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। तो इसके फ्रंट में आपको 15 इंच और रियर में 14 इंच का टायर भी देखने को मिल जाता है, तो काफी बड़े टायर्स के साथ ही मिल जाती है। इसके अलावा फीचर्स इसमें कई सारे दिए गए हैं। इसमें आपको ABS मिल जाता है, LED हेडलैम्प के साथ आपको यहाँ पे हेडलैम्प सेक्शन मिल जाती है, कीलेस राइड मिल जाता है, बिना चाबी के भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, विंड स्क्रीन भी दी गई है, सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है, USB सॉकेट भी दिया गया है, फ्रंट में पॉकेट दिया गया है, राइड बाय वायर मिल जाती है, बूट स्पेस भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको TFT कलर डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको एज ए ऑप्शनल मिलेगा। आप चाहे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ले सकते हैं या फिर उसको नहीं ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो फीचर्स इसमें कंपनी आपको कई सारे देती है, क्योंकि इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। माइलेज की बात करें तो 29 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी, और टॉप स्पीड इसकी 139 KMPS तक है। तो ये MT15 को ये स्कूटर टक्कर दे सकती है। हालांकि दोनों अलग अलग इंजन के साथ आती है, लेकिन एक स्कूटर से एक बाइक की टक्कर हो सकती है। तो सीट हाइट 775 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12.8 लीटर की है, उसका जो कर वेट है 214 kg तक है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस सुनकर आप थोड़े से शॉक जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 10.40 लाख रुपीज, यानी कि 10,40,000 रुपये तक है। तो ये मैक्सी स्कूटर काफ़ी महंगी है, इतने प्राइस में एक फोर व्हीलर भी आ जाता है। लेकिन आपको ब्रांड चाहिए तो BMW आपको इतने महंगे में ये स्कूटर देती है। तो इस लिस्ट में जो फोर्थ नंबर पे है वो अप्रीलिया कंपनी की आने वाली SXR 160 है। ये स्कूटर 125 cc में मिलती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पे 160 cc वाले SXR की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी चार कलर ऑप्शन देती है। इसमें 160 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक थ्री वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 10.9 PS का पावर और 11 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। और इसमें आपको कीक और सेल्फी स्टार्टर दोनों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको और रियर में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक भी लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें भी ABS दिया गया है, क्योंकि ये 160 cc के साथ आती है। ट्विन LED हेडलैम्प के साथ DRS देखने को मिल जाता है। विंड स्क्रीन दिया गया है, जैसे कि मैक्सी स्कूटर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 210 सेंटीमीटर का आपको इसमें मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको एज ए ऑप्शनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको सीट के नीचे आपको बूट लाइट भी देखने को मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ कमी देखने को मिल जाएगी, इसके सीट को ओपन करने के लिए आपको चाबी सीट के पास लगानी पड़ती है। सीट के नीचे फ्यूल फिलिंग भी दी गई है, तो ये भी थोड़ी सी कमी इसमें है। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो 40 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज आपको ये दे देगी। टॉप स्पीड इसकी 115 KMPS तक है। इसके अलावा इसकी जो सीट हाइट है 775 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 7 लीटर की है, और इसका जो कर्व वेट है 129 kg है। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो अप्रीलिया SXR 160 का जो एक्स रूम प्राइस है 1.42 लाख रुपीज, यानी कि 1,42,000 रुपये तक है। तो आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे है, ये यामाहा कंपनी की एरोक्स 155 है। ये स्कूटर मैक्सी और स्पोर्ट सेगमेंट का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये मैक्सी स्पोर्ट ये आपको स्कूटर देखने को मिल जाती है, जो कि मैक्सी स्कूटर से थोड़ा सा अलग लुक के साथ मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरबोर्ड पे आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे विंड स्क्रीन भी आपको बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको 155 cc का लिक्विड कूल्ड फोर स्ट्रोक टू वॉल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 15 PS का पावर और 13.9 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। तो इसमें आपको पावर SXR से भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, इवन काफ़ी ज़्यादा आपको पावर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इसके फ्रंट में आपको 14 इंच और रियर में भी 14 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाती है, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसमें भी कंपनी ABS देती है। इसमें भी आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके फ्रंट में भी पॉकेट दिया गया है, USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, मल्टी फंक्शन LCD डिस्प्ले भी मिल जाती है, जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है, और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है, 24.5 लीटर का बूट स्पेस भी देखने को मिल जाती है।
तो इसमें आपको एक्सटर्नल फ्यूल लीड भी देखने को मिल जाती है, यानी फ्यूल भरवाने के लिए आपको सीट से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 40 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। तो इसकी टॉप स्पीड लगभग आपको 120 kmph तक देखने को मिल जाती है। तो हम बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, 145 mm की है। सीट हाइट 790 mm की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.5 लीटर की है। उसका जो कर्बेट है 126 kg है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ है रॉक्स 155 से एक्सरूम दिल्ली प्राइस 140,800 यानी कि 140,800 रुपये तक है। तो ये सारे एक्सरूम प्राइस है। ऑनरोड प्राइस इसमें आप इंश्योरेंस प्लस RTO का पैसा ऐड कर सकते हैं, वो इसका आपको ऑनरोड प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो इस लिस्ट में जो सेकेंड नंबर पर है ये भी अप्रीलिया SXR 125 है, और इसमें भी आपको लुक जो कि 160C सेगमेंट वाली ही देखने को मिल जाती है। फीचर्स भी लगभग वही मिल जाते हैं, कलर भी वैसे ही देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 124.45cc का सिंगल सेंटर फोर स्टॉक एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 9.52 PS का पावर और 9.2 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। इसके भी फ्रंट और रियर में 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन इसमें आपको ABS नहीं मिलेगा क्योंकि 125cc में आती है, यहाँ पे CBS दिया गया है। इसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, LCD डिस्प्ले सेम वही मिल जाती है जो कि 160cc में दिया गया है, और यहाँ पे ब्लूटूथ आप एक्सेसरीज के तौर पे अलग से लगवा सकती हैं। तो इसमें फ्रंट में ग्लोव बॉक्स दिया गया है, USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है। तो फीचर्स आपको SXR 160 वाले ही मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो 45 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। टॉप स्पीड 105 kmph तक है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm की है। सीट है 775 mm की है। फ्यूल टैंक सीट 7 लीटर की है। और इसका जो कर्व है 129 kg तक है। प्राइसिंग की बात करें तो अप्रीलिया SXR 125 का एक्सट्रीम दिल्ली प्राइस 131,664 यानी कि 131,664 रुपये तक है। और यहाँ पे जितने भी स्कूटर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो उनके प्राइस के हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है। जो महंगी स्कूटर है उसको मैंने पहले रखा है, जो सस्ती है उसको मैंने बाद में रखा है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो इंडियन मार्केट में काफी लंबे समय से मैक्सी सेगमेंट में इकलौती स्कूटर मिल रही थी, वही है सुजुकी कंपनी की बर्गमन, जो कि 125cc में ये स्कूटर आती है। और इंडियन मार्केट में ये काफी लंबे समय से है, और कंपनी इसमें आपको तीन वेरिएंट भी देती है, एक स्टैंडर्ड वेरिएंट, एक राइड कनेक्ट एडिशन, और कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले नया लेटेस्ट लॉन्च किया है EX वेरिएंट, जो कि सबसे महंगी है, जहां पे आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में 5 कलर ऑप्शन, राइड कनेक्ट में भी आपको 5 कलर ऑप्शन, तो इसके EX वेरिएंट में आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है। और EX वेरिएंट में थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रियर में 12 इंच का टायर दे दिया गया है, बाकी कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए थे। तो EX वेरिएंट और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में क्या अंतर है इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें 124cc का फोर स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, जो कि 8.7 PS का पावर और 10 Nm की टॉर्क जनरेट करती है। तो इसके फ्रंट में आपको 12 इंच और रियर में 10 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें CBS दिया गया है, LED हेडलैम्प के साथ LED DRLs मिल जाता है, डुअल टोन कलर की सीट मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट में पॉकेट भी दिया गया है, USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाती है, और यहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लगेज हुक भी दिया गया है, 21.5 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और भी आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें भी आपको 45 kmph तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। टॉप स्पीड 105 kmph तक है। तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm की है। सीट है 780 mm की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.5 लीटर की है। इसका जो कर्व वेट है 110 kg है स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ, और 111 kg है EX वेरिएंट के साथ। तो ये बात करते हैं इसकी प्राइसिंग का, सुजुकी बर्गमन स्ट्रीट का एक्सरूम दिल्ली प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट के साथ 89,900 यानी कि 89,900 रुपये तक है। राइड कनेक्ट एडिशन के साथ 93,300 यानी कि 93,300 रुपये तक है। तो इसका जो EX वेरिएंट है वो काफी महंगी है, एक्सट्रीम प्राइस 112,300 यानी कि 112,300 रुपये तक है। तो ये आपको इंडियन मार्केट में 5 मैक्सी सेगमेंट में स्कूटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सबसे सस्ती आपको बर्गमन मिल जाएगी, जिसका एक्सट्रीम प्राइस लगभग 90,000 रुपये से स्टार्ट होता है, यानी कि एक ही ऐसी स्कूटर है जो कि 1 लाख के अंदर मिलेगी, बाकी जितने भी स्कूटर्स हैं 1 लाख से ज़्यादा के हैं। तो इन 5 स्कूटर में से आपको कौन सी बेहतर लगती है, या फिर फ्यूचर में किसको खरीदने की सोच रहे हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको यूज़ भी करते हैं तो वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा आप और भी किस कंपनी के चाहते हैं कि मैक्सी स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्च होने चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से होंडा के जो मैक्सी स्कूटर है उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कंपनी इसको लॉन्च नहीं किया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।